न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। दोनों मैचों में टीम इंडिया के लिए विनिंग शॉट विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ही रहे। दरअसल दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच 19 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में खेला गया, दरअसल जिसे भारत ने 7 विकेट से जीता। इस मैच में जब पंत न्यूजीलैंड की पारी के दौरान विकेट कीपिंग के लिए उतरे थे, तब उनकी जर्सी पर एक टेप लगा हुआ था। पंत की टेप वाली जर्सी की फोटो काफी वायरल हुई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पंत ने जर्सी पर टेप क्यों लगाया। दरअसल पंत इस मैच में T20 वर्ल्ड कप वाली टीम इंडिया की जर्सी पहनकर खेलने उतर गए। इस जर्सी पर दाईं तरफ T20 वर्ल्ड कप का लोगो बना हुआ था, जिसे छुपाने के लिए पंत को इस पर टेप लगाना पड़ा। बीच में मैच के दौरान उन्होंने इस पर हाफ स्वेटर पहन लिया था, जिसके बाद उनका ये टेप नजर नहीं आ रहा था। T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ये T20 सीरीज खेली जा रही है। पंत ने भारत की ओर से इन मैचों में 6 गेंदों पर 12 रन बनाए। पंत पहली 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए थे और फिर लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। पिछले मैच में पंत ने चौके के साथ टीम इंडिया को जीत दिलाई थी और इस मैच में छक्के के साथ वो भी उनके एक हाथ से जड़ा गया सिग्नेचर शॉट। पंत ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर मैच फिनिश किया। भारत ने पहला मैच 5 विकेट से जबकि दूसरा मैच 7 विकेट से जीता। सीरीज का आखिरी मैच अब 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाना है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। पंत को टेस्ट सीरीज से आराम दिया गया है। दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।